तो हमारी कांग्रेस के की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। उसी दृष्टि से हम 34 दिन तक लगातार होटलों में रहे, आपस में संपर्क करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे, सलाह मशवरा होता रहा और 34 दिन के बाद जब जो गद्दारी करने वाले लोग थे, जो मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और जो सरकार गिराना चाहते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब माहौल बना और विधानसभा का सत्र बुलाने लगा, की तारीख आने लगी, तब उन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर करके, बिना शर्त सरेंडर करके और फिर कांग्रेस का साथ सदन में जरूर दिया। लेकिन उन लोगों को जो मनेसर में इकट्ठे हुए और 34 दिन तक सरकार गिराने का षड्यंत्र करते रहे, सरकार के खिलाफ बाकायदा बराबर स्टेटमेंट देते रहे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, बावजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए, आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहां पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पर मेरा चार्ज है कि वो पक्षपात पूर्ण तरीके से यहां के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में, कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। तो हम सोनिया गांधी के सिपाही हैं, सोनिया गांधी की हर हुक्म को हमने 50 साल तक माना। मेरी 50 साल की राजनीति हो गई, इन 50 सालों में एक बार भी अनुशासनहीनता का चार्ज मेरे पे नहीं लगा। मैं कई पदों पे रहा, चाहे जिला प्रमुख रहा, लोकसभा का सदस्य रहा, विधानसभा का सदस्य रहा, 15-20 साल तक जो है लगातार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी कोई चार्ज मेरे पर नहीं लगा। लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्विंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़कनी थी और विधायकों को नाराज होना ही था। जो नाराज विधायक थे उनके बराबर मेरे पास फोन आए कि हमारी बात सुनो, तुम यहाँ के जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो, हमारी पूरी बात सुनो। मैं उनकी बात सुनने के लिए ही यहाँ पर जो है वो सब लोग इकट्ठे हुए, उनकी बात सुनी मैंने, 3 घंटे तक उनकी बात सुनी, उनका रोष सुना, उनकी बातें सुनी, वो क्या चाहते हैं ये सुना। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ, जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का, सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे ये यहां का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। That's all. आरोप दो लोगों पर, सचिन पायलट और पर्यवेक्षक अजय माकन पर। शांति धारीवाल ने एक बहुत बड़ा आरोप यह लगा दिया है कि सचिन पायलट कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहते थे और अजय माकन जो हैं वो एक पर्यवेक्षक होने के नाते भी यहां आकर वो सचिन पायलट के पक्ष में माहौल बना रहे थे, विधायकों से बात कर रहे थे और ऐसे लोगों को, गद्दारी करने वाले लोगों को सचिन पायलट पर बहुत बड़ा आरोप यहां पर शांति धारीवाल ने लगा दिया है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है तो वो कांग्रेस के निष्ठावान विधायकों को बर्दाश्त नहीं।
इसलिए नहीं गए कि विधायक यहाँ आने वाले थे, मेरे पास टेलीफोन आ रहे थे कि पहले हमारी बात सुनो उसके बाद में बैठक में चलेंगे। वो कह रहे कि अलग-अलग हम नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अलग-अलग राय सुनना चाहते। नहीं 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 अलग-अलग राय कभी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव पास करने के लिए आए हम।